ये है कलयुग का राम, जो कार पे सवार होके रावण का वध करने जा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से राम और लक्ष्मण कार पे सवार होकर वध करने रावण का जा रहे हैं, और पीछे से उनकी टोली भी जा रही है। देखिए, ये खुला मैदान है, ये काफ़ी खुला मैदान है, और सच कहा जाए तो रावण दहन ऐसे ही खुले मैदान में करना चाहिए, ताकि कुछ अनहोनी हो जाए तो किसी को कुछ नुकसान ना हो। यहाँ पर भीड़ भी कम है, लेकिन इंतज़ाम बहुत अच्छा किया गया है। राम और लक्ष्मण को कार पे बिठा के लाया जा रहा है रावण का वध करने के लिए, यानी कि रावण दहन करने के लिए। देखिए, राम जी तैयार हैं, अभी राम जी की एंट्री हो रही है उधर से। ये देखिए, अभी रवाई शुरू हो गई आकाश में, और राम जी ये तीर लेकर तैयार हो गए रावण का वध करने के लिए। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये राम जी अपने अग्नि बाण से रावण को मारेंगे, और रावण का पुतला धू धू करके जल जाएगा। देखिए, राम जी निशाना ले रहे हैं, अभी पता नहीं क्या हो गया इनको, ये उल्टी दिशा की तरफ चल पड़े। ये कहाँ जा रहे हैं? अरे हाँ, फिर उधर ही घूम कर आ गए, और देखिए निशाना ले रहे हैं, और ये मार दिया तीर, और लग गई आग रावण के पुतले में, और रावण धू धू कर जलना शुरू हो गया। मज़ा आया ना दोस्तों, राम कार पे सवार होके आए,